गाइस डे 4 कीटो इज फाइनली इन. मैं कीटोसिस फेज में हूँ एंड आई लव इट. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. पहले थोड़ा कार्ब्स की क्रेविंग होती थी, अब कार्ब्स की क्रेविंग नहीं हो रही है. मेरे वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा, लोग मुझसे पूछे थे मैं पानी कितना पी रहा हूँ, अबाउट 4 to 5 liters ऑफ वाटर. एग वाइट्स मैं क्यों कहता हूँ हमेशा, होल एग्स और मेरा नींबू पानी चलता है. वेरी लिटिल शुगर फ्री, नो शुगर गाइस. इसमें शुगर आप नहीं ले सकते, फ्रूट्स नहीं ले सकते. द आइडिया इज़ आपको अपना इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रखना है. यू कांट हैव दैट इंसुलिन स्पाइक. सिर्फ हाई प्रोटीन हाई फैट रखो. मैंने अपना एक फ्लैक्सीड ऑयल भी ऐड कर दिया इसमें. जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा वो कौन सा फ्लैक्सीड ऑयल है. आई हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस फिश ऑयल इनटू माय बॉडी, क्योंकि मुझे वीकनेस नहीं चाहिए बॉडी में. मैं चाहता हूँ मेरी स्किन भी शाइन करे. सो आई एडेड ऑल दीज कंपोनेंट्स. और दूसरी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी है गाइस, जो आपको पता होगा कि मैंने पिछली बार भी आपको बात बताई थी कि मैंने एक लाइफ में, मेरी लाइफ में एक फेज था जब मेरे को रिजल्ट्स नहीं आते, तो मैंने अपनी डिपेंडेंसी ड्रग्स पर बहुत ज़्यादा कर दी थी. वैन एज ए ड्रग आई मीन साइकिल्स यूसेज. और वो इतनी ज़्यादा साइकिल यूसेज हो रही थी कि मुझे रिजल्ट्स फिर भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि आई वॉज ऑन दिस होल बॉइल्ड फूड डाइट, चिकन उबला हुआ खाना, फिश उबली हुई खानी, इतनी खानी उतनी खानी. लेकिन कीटो से 3-4 दिन में ही विद मिनिमल डोसेज ऑफ एक्वाविरॉन एंड सेनाजोल द रिजल्ट्स हैव बीन फिनोमिनल. आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे, मुझे स्किन अपनी टाइट लग रही है, काफ़ी फ़र्क आया. तो गाइज, अगर आप कॉम्पिटिशन खेल रहे हो, अगर आप यू हैव अ ड्रीम टू कम्पीट, तो मुझे लगता है कीटो डाइट एक बार ज़रूर फॉलो करनी चाहिए. और आपको मेरा अगर इंटरव्यू भी याद हो जो मैंने ठाकुर के साथ किया था, ठाकुर अनूप सिंह, ही ऑल्सो फॉलोड द सेम डाइट जो उनकी मूवी की कमांडो 2 की मूवी की प्रेपरेशन में थे. एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नाउ क्यों, बिकॉज एक तो आपका एनर्जी लेवल इतना रहेगा, और दूसरा यू व्हेन यू ऑलवेज इन दिस कीटोसिस मोड, यू विल नेवर पुट ऑन वेट और यू विल नेवर पुट ऑन फैट. इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है. नुकसान ये है कि आपने जैसे ही कुछ ऐसा खा लिया, जैसे अगर आपने आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ गई या आपकी ज़्यादा डिपेंडेंसी वे प्रोटीन पे बढ़ गई, बूम, यू आउट ऑफ कीटोसिस. फिर आपको दोबारा से मेहनत करेगी अपनी बॉडी को कीटोसिस में डालने के लिए. कीटोसिस इज़ नथिंग, अगर आप सोचोगे कि कीटोसिस है, कीटोसिस नथिंग बट जब आपकी बॉडी की डिपेंडेंसी कार्ब्स की बजाय फैट पे हो जाती है, सो बॉडी यूज फैट एज अ प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो दैट्स मीन यू आर इन कीटोसिस. तो मेरी बॉडी अभी सारा फैट सेल्स से अपनी एनर्जी टैप कर रही है, जो मेरा फैट स्टोर नहीं हो पा रहा है, और सब वो एज अ एनर्जी यूज हो रहा है. तो दिस इज एन आइडियल स्टेट. अब मैं जैसे ही कुछ उल्टी सीधी चीज़ डाल दूंगा गाइस, इट्स गॉन अगैन. सो मैं जितना इस फेज को लंबा खींच सकता हूँ, मैं उतने रिजल्ट्स आते रहेंगे. हार्डली 4-5 days टू गो. वी हैव टू प्रूव इट. आई जस्ट हैव टू प्रूव इट टू माई सेल्फ. और आपको पता लगेगा कि हम 4-5 or 8 दिन में हम क्या कर सकते हैं. तो मेरी डाइट की तो बात ये रही कि और आज मैंने सुबह से क्या खाया. अगेन होल एग्स डबल फ्राई. आजकल मैं डबल फ्राई ज़्यादा खा रहा हूँ, और मैंने इसमें फ्लैक्सीड ऑयल भी ऐड कर दिया, मैंने फिश ऑयल भी ऐड कर दिया है, बटर भी मैं थोड़ा सा खा रहा हूँ, कोकोनट ऑयल भी मैं खा रहा हूँ. कोकोनट ऑयल कुछ नहीं, यू कैन यूज़ पतंजलि वन. सो दैट इज़ प्रीटी मच इट ऑन द डाइट साइड. मुझे 16 अंडे की मेरी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, 16 अंडे अगर नहीं हो पाते कभी कभी, बिकॉज कितने आप अंडे खा लोगे, तो मैं वे प्रोटीन के साथ कर लेता हूँ. गाइस एक बात याद रखिएगा, वे प्रोटीन में भी थोड़े अमीनो एसिड्स होते हैं, और आपको बिकॉज आपको BCAAs नहीं खाना, तो आप अवॉइड करें जितना हो सके वे प्रोटीन. बिकॉज अगर आप ज़्यादा BCAA अपनी बॉडी में डाल देंगे, तो चांसेस आर इंसुलिन स्पाइक से आप शायद कीटोसिस से बाहर आ जाए. बट अगेन, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, तो मैं कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ. गाइज अगर आपके पास भी टाइम कम हो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो अवॉइड दीज थिंग्स ऑन दी बॉडी पार्ट की मेरी बॉडी कैसी रही है, आज कैसी लग रही है, उसके लिए तो आई एम गोना कॉल माय यतिंदर भाई. सो देयर ही इज, ही इज वॉकिंग. सतिंदर भाई कैसे हो? कैसा बताओ, आप बताओ, क्या कुछ आया फ़र्क, आप बताओ अभी, मतलब डू यू थिंक विल मेक इट, हो जाएगा? या जस्ट एज यू सीन, जो भी ऊपर पिक्चर्स आएंगे और जो भी वीडियो आएगी, सो मुझे अब बोलने की ज़रूरत नहीं, जस्ट बिकॉज अब आपकी फिजिक ही बोल रही है सब कुछ. सो जो भी लोग, प्लीज़, कल भी आपके बहुत सारे मैसेज आए, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, कि जितने आपके पॉजिटिव मैसेज होते हैं ना, वो दैट गिव्स अस अ पॉजिटिविटी. एंड अब एज मैंने कल भी बोला था, डिफरेंस आ रहा है, बट आप एज बीइंग आपने बोल ही दिया वो केटोसिस से बाहर मत आ जाना. सो दैट मीन्स यू डोंट हैव एन ऑप्शन कुछ भी चीट करने का, ठीक है? और आज मैंने 2-3 फ़ोन कॉल्स भी अटेंड किए थे, तो बहुत सारे लोग आप ही के सेम डाइट फॉलो कर रहे हैं. मैंने इनको बता दिया कि पानी के, लोगों से पानी का पूछ रहे हैं, फोर एग्स होल एग्स का ऑमलेट फोर. सो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप सेम डाइट फॉलो करें, दैट्स वो हमने कैलकुलेट किया था कि इनका कितना बॉडी फैट परसेंटेज है, इनका कितना वेट है. सो आप भी उसको कैलकुलेट करें. इट्स जस्ट बिकॉज अगर आपने सेम इम्प्लीमेंट कर दिया, मे बी आपका बॉडी वेट कम है, बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, सो दैट्स द डाइट. ओनली हम जो बता रहे हैं वो सिर्फ तरुण के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है. आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जस्ट गूगल पे जाओ, रीड अबाउट व्हाट केटोजेनिक डाइट इज़.
और बाकी तो मैं यही कहूँगा एज बीइंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि अब जो हमारा एम था 10th को जस्ट टू मोटिवेट आर एक्सटेंडेड फैमिली सो वो डेफिनेटली हो जाएगा. सो बस वही कॉन्फिडेंस आपको भी रखना है एंड विल पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है. इज ऑल अबाउट और 4-5 दिन की बात है फिर एक पार्टी हम कर ही लेंगे. बिल्कुल पार्टी भी करनी है गाइज. इसको मैं एक्सटेंड करने की भी कोशिश करूँगा बट ये प्रोग्राम 8 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा. बट मैं इसको एक्सटेंड इसलिए करूँगा बिकॉज देर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एट कम. जैसे आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी अगर मेरे को 8 दिन में इतनी तकलीफ हो रही है हमारे को अगर आप कर रहे हो आपको स्ट्रगल हो रही है. दिस मैन राइट है डिड इट फॉर 11 मंथ्स. 11 महीने करा था भाई आपने. 11 कॉम्पिटिशन टाइप है तो आपको इमेजिन कर सकते हो एक बॉडी बिल्डर को अपनी शेप में रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. तभी मैं आपको हमेशा कहता हूँ इट्स नॉट ईजी बींग अ बॉडी बिल्डर. और मैं इसीलिए आपको हमेशा कहता हूँ वी वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दीज बॉडी बिल्डर्स की जिससे हम और जैसे इन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बोला है आई वॉन्ट मोर यतेंद्र सिंह टू बी मेड इन दिस कंट्री. इसीलिए हम 10th को गए जो मुझे आपको हमेशा बताना फ़र्ज बनता है मैं दोबारा बताऊंगा आपको. प्लीज़ कम ऑन द 10th. मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. गोल्डन ट्यूलिप छतरपुर जिसमें हम कई बॉडी बिल्डर्स को बुला रहे हैं फ्रॉम मुकेश गहलोत टू यतेंद्र भाई टू वसीम खान टू लॉट ऑफ ऐसे और बॉडी बिल्डर्स भी नहीं ऐसे ऐसे लोग जो फिटनेस को अपना पैशन मानते हैं फॉलो कर रहे हैं. फ्रॉम फ्रूट वाला अगर आपने मेरा इंटरव्यू देखा हो पानीपुरी वाला रिक्शे वाला ये सब कैसे फिटनेस को फॉलो करते हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और आपके क्वेश्चंस रिलेटेड फिटनेस से ऑब्वियसली इट्स अ फ्री इवेंट आप कोई भी सवाल रिलेटेड सप्लीमेंट डाइट गेयर कुछ भी पूछिए दे देयर टू गाइड यू दे देयर टू टेल यूर. एंड ऑफकोर्स बॉबी तो है जो अगेन मेरी आज भी उनसे बात हुई सो ही इज़ ऑल सेट ही इज कमिंग. उनसे भी आप जितने मर्जी सवाल करो बट गाइस डू शो अप. It'll be good for the sport. It'll be good for all of us कि हम एक 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 फिटनेस के साथ जुड़े हुए हैं. हम इस फिटनेस इंडस्ट्री को आगे लेके जाएं और आगे तभी आएंगे अगर आप आगे बढ़ेंगे और इसके साथ जुड़ेंगे. जॉन इब्राहिम हमारे साथ हैं ठाकुर अनूप सिंह हमारे साथ हैं एंड वी वांट मोर सेलिब्रिटीज़ टू कम एंड जॉइन अस बिकॉज वी वांट टू डू समथिंग. बिकॉज आप सोचिए ना फिटनेस इतना एक इंटेग्रल पार्ट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का भी अगर आप सोचो. बिना फिटनेस के तो कुछ है ही नहीं. जस्ट ग्लैमर इंडस्ट्री जितनी भी है दैट्स वो ग्लैमरस तभी रहेगी उसमें जितनी ज़्यादा फिटनेस इन्वॉल्व हो जाएगी वो उतनी ग्लैमरस हो जाएगी. इट्स जस्ट बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू स्टे फिट एंड एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड सो दैट इज़ और मेरी तरफ से एज बीइंग यतेंद्र सिंह की तरफ से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ. प्लीज़ 10th को जो हमारा इवेंट है उसमें आप अपना इंटरेस्ट शो करें क्योंकि हम ये आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं. सो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ. कोई एंट्री फीस नहीं है कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. सो जस्ट वॉक इन. आज मेरे पास 7-8 फोन आए थे कि सर हम आ सकते हैं नहीं आ सकते कोई गेट पास है कोई रजिस्ट्रेशन है. सो आप ये भी बताओ इस दिन इट्स फ्री गाइस कोई गेट पास नहीं है कुछ नहीं. यू जस्ट हैव टू गेट क्रैश. और आपको आना है घुसो अपना नाम लिखवाओ बूम एंड यू आर इन. और हाँ एक और बात थी जो मैं इनकी भी तरफ से बोलना चाहता हूँ. देर आर लॉट ऑफ सप्लीमेंट कंपनीज और इंडियन सप्लीमेंट कंपनीज गाइस जिनको मैं प्रमोट करता हूँ. आई डू नॉट सपोर्ट इंटरनेशनल ब्रांड का. मैं इंडियन हूँ ये इंडियन है हम इंडियन एथलीट्स के लिए कर रहे हैं इसलिए कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं होगा यहाँ पे. देर बी सप्लीमेंट कंपनीज लाइक कोरबोलिक्स इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड सत्यव्रत इफ़ यू देयर शाउट आउट टू यू. तेजस्वा जो जिसके साथ यतेंद्र भाई जुड़े हुए हैं इनका भी एक स्टॉल होगा वहाँ पे. तो ये हम इसलिए कर रहे हैं गाइस कि बिकॉज लोगों को लगता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स बड़े इन्फीरियर हैं इंटरनेशनल के मामले में. लेकिन गाइस आपको और मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ अगर आपने मेरे वीडियोस पुराने देखे हैं इंडियंस आर नो लेस चाहे वो हमारे एथलीट हो चाहे वो हमारे प्रोडक्ट्स हो. और मैं कभी अपना प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता. मुझे हमेशा ये लगता है कि सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे हैं. इट्स अप टू यू टू मेक दैट चॉइस कि कोई भी आपको अच्छा लगे आप खरीदो. लेकिन गाइस यूज़ इंडियन. आपको पतंजलि खरीदना पतंजलि खरीदो आपको तेजस्वा एक्स वाई जी मसल कुछ भी बट जस्ट स्टे फोकस एंड स्टे यू नो लॉयल टू इंडियंस बिकॉज आपकी वजह से ही इंडियन इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी. आप खरीदेंगे तो और लोग आगे आएंगे प्रोडक्ट्स बनेंगे. आप इस इवेंट में आएंगे तभी आपके लिए और दरवाजे खुलेंगे फिटनेस के लिए. भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? सो मैं यही कहना चाहूँगा इस 10-10 को जो इवेंट हो रहा है हमारा भी ये फर्स्ट ट्राई है. सो अब फर्स्ट ट्राई को और सक्सेसफुल बनाने के लिए आप जितने से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे आएंगे और अपना प्यार दिखाएंगे ताकि उससे क्या होगा जब सेकंड, थर्ड फोर्थ हमें करना होगा ना उस करने का हमारा मोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगा. सो प्लीज़ शो योर इंटरेस्ट. विल हम तो हैं ही वहाँ पे बट बिकॉज कि आप लोगों के बिना हम भी अधूरे हैं तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप आओगे हमें भी अच्छा लगेगा.
सो प्लीज वेलकम एंड देयर इज नो पास नथिंग देयर इज नो एंट्री रजिस्ट्रेशन कोई गोरी नहीं मिलेंगे आपको सिर्फ इंडियन एथलीट्स मिलेंगे आपको और सबसे बड़ी बात गाइस यहां पे आपको ये मिलेगी कि कई में से सवाल आते हैं आपके पास भी आते होंगे कि उन्हें मेंस फिजिक के लिए तैयारी करनी है उनको फिटनेस मॉडल बनना है मैंने 5-6 फिटनेस मॉडल्स भी बना रखे हैं जरे के फिटनेस मॉडल जो वहाँ आएंगे दे विल पोस्ट डन और आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे कि कैसे आप मेंस फिजिक के लिए कम्पीट कर सकते हो गाइस आप में से ये भी सवाल आते हैं कि हमें फिटनेस ट्रेनर बनना है हम क्या करें तो जरई के और 2-3 अदर फेडरेशन के लोग होंगे वहाँ पे जो आपको बताएंगे अगर आपको ट्रेनर बनना है तो यू कैन इमीडिएटली साइन अप एंड दे साइन यू एज अ ट्रेनर मतलब वी वांट यू टू गेट इनटू दिस फिटनेस इंडस्ट्री तभी मैं कर रहा हूँ गाइस बिकॉज आई रियली वांट यू आपको वो ना उस चीज़ से ना गुजरना पड़े जो मुझे या जितेंद्र भाई को गुजरना पड़ा हो टू गेट इनटू द फिटनेस इंडस्ट्री आज तक जैसे अगर आपने इनका भी देखा हो इनको भी वो रिकग्निशन नहीं मिला घर पे कि यार अच्छा यू पार्ट ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री अच्छा चल ठीक है लेकिन अगर ये इंजीनियर होते हैं डॉक्टर होते हैं अरे मेरा लड़का तो इंजीनियर है मेरा लड़का तो डॉक्टर है बट यही चीज़ को हमने साबित गलत करना है गाइस कि अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो उसको भी लेके आपके पेरेंट्स आपको उतना ही इंकरेज करें जितना आप डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या दूसरे भी कोई भी फील्ड को लेके करते हो दैट्स माय ओनली इंटेंट हम इसी के थ्रू सिर्फ यही करना चाहते हैं सो आई होप टू सी यू देयर ऑन द 10th नाउ सी यू ऑन डे 5